नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। आज 15 साल के बाद मुंबई में, महाराष्ट्र में महा आघाड़ी की जो सरकार बनी है, ये सरकार सच्ची सरकार है। जो अब तक जो सरकार चल रही थी वो झूठी सरकार चल रही थी और महंगाई वाली सरकार चल रही थी, खाली अमीर लोग के लिए वो सरकार चल रही थी। ये जो सरकार महा आघाड़ी की सरकार बनी है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की, सालों साल चलने वाली है। सब लोग खाली बोलते रह जाएंगे और देखते रह जाएंगे कि 4 महीना चलेगी, 6 महीना चलेगी, मगर दांतों तले उंगलियां दबा देंगे ये लोग जब भी महा आघाड़ी की सरकार चलेगी। उद्धव ठाकरे ने जो आज महा आघाड़ी के नेता है, उद्धव ठाकरे जी ने आज शपथ ली है, उसके साथ बाला साहेब थोरट है, अशोक चव्हाण है, शरद पवार जी है, सब लोग मिलकर अच्छे में अच्छी सरकार चला के सबको दिखाएंगे और महाराष्ट्र की पब्लिक की सेवा करने के लिए ये तीनों पक्ष साथ में आए और सेवा करनी है, सच्ची सेवा करनी है, इसलिए तीनों पक्ष सब भूल के एक दूसरे के साथ मिलजुल के सत्ता में आए हुए। 5 साल का सवाल ही नहीं है, 5 साल नहीं, सालों साल चलने वाली सरकार है, क्योंकि ये सरकार गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, मध्यम वर्ग की सरकार है, सबकी सरकार है। ऐसी नहीं है कि खाली है अमीरों की सरकार है। हमारी सरकार का पहला प्रश्न वही है कि किसानों का कर्ज माफ कैसे किया जाए। सोनिया गांधी, पवार साहब और उद्धव जी तीनों मिलके किसानों की, आम पब्लिक की, आम जनता की और मिडिल क्लास की देखरेख करेंगे और सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। मैं मेहुल कोसला, गुजराती सेल का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। मैं वोट नंबर 15 से इलेक्शन लड़ा था, उससे पहले भी काम करता आया हूँ और अभी भी काम करता हूँ कंटिन्यूस। और जो महा आघाड़ी बनी हुई है, महा आघाड़ी से 101% एक बार बीएमसी में भी महा आघाड़ी की सरकार बनेगी और बीएमसी में भी पंचर लहराएंगे हम लोग महा आघाड़ी के।